नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 10 नेशन। फिलहाल वक्त हो चला है देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर के अखंड नगर थाना क्षेत्र में मीरपुर प्रतापपुर के रहने वाले राधेश्याम की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। अमेठी में मुसाफिर खाना क्षेत्र के पिंडारा हाईवे पुल पर एक कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। वहीं इस टक्कर से बाइक सवार एक शख्स के साथ ही उसकी पत्नी और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अयोध्या में थाना कोतवाली नगर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने बदमाशों की निशानदेही पर चोरी की गई 6 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली हैं। बलरामपुर में थाना कोतवाली उतरौला से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वहद ग्राम रसूलाबाद से इजामुल हक समेत सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोनों के कब्जे से पुलिस ने कुल 1300 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। गोंडा में थाना खोडारे क्षेत्र से नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों के मुताबिक बदमाश लड़की को उठा ले गए थे और फिर दुष्कर्म के बाद मौके से फरार हो गए। फिलहाल इस वारदात की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। जालौन में शराबियों के हुड़दंग ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 3 अलग अलग जगहों पर शराबियों ने हुड़दंग मचाया, जहां पर पुलिस ने पहुंच कर किसी तरह से मामला शांत करा दिया है और सुसंगत धाराओं में तीनों युवकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।